और आइए अब सीधी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। तो नई कोचिंग क्लासेस आएंगे और मैं तो कई कोचिंग क्लासेस देख रहा हूँ आजकल स्टार्टअप्स के रूप में हमारे युवा युवती शुरू कर रहे हैं, सफलता से कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। मुझे लगता है ये तो ज्यादा एक प्रकार से जोड़ी नहीं, बेजोड़ जोड़ है ये तो। इनके बीच के आपसी झगड़े तो आप सब ज्यादा हमसे जानते हैं, आप उसकी रिपोर्टिंग रोज करते हैं, आपके अखबारों से और टीवी चैनल से हमें पता चलता है कि एक दूसरे के घर के बाहर क्या कपड़े फाड़ रहे, एक दूसरे के बारे में उनके विचार क्या है वो तो पूरी जनता ने देख लिए। तो वो तो दोनों जोड़ी नहीं है, वो अपने अपने बच्चों को बिठाने के लिए आपस में झगड़े में लगे हुए, जबकि हमारे यहाँ पे एकजुट होके हम सब काम करते हैं और सब मिलजुल के प्रदेश और देश के विकास में जुड़े हुए। अभी आपने बताया कि भाजपा की सरकार पाक साफ है, उधर कांग्रेस आरोप लगाती है कि 50% की सरकार है, इसका ताजा उदाहरण महाकाल लोक में हुआ भ्रष्टाचार, वो उसका अभी तक कहीं आपकी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं। मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूं आपकी बात का, और भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदार सरकार दी है, कांग्रेस की तरह हमारे समय कोई कोलगेट का स्कैंडल नहीं हुआ जिसमें 1,86,000 करोड़ का देश को नुकसान हुआ है, हमारे समय कोई माइन या कोई ऑक्शन के बगैर कोई माइन चाहे आयरन ओर की हो, कोयले की हो, एल्यूमिनियम की हो, कोई सरकारी जमीन, कोई प्रोजेक्ट बिना ईमानदार नीलामी के कभी नहीं दी जाती। हमारे समय कोई टेलीकॉम अपने भाई मित्रों बहनों को 1,76,000 करोड़ का देश को नुकसान करके नहीं दिया जाता है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी पे हमें गर्व है, हमारी सब सरकारों ने काम ईमानदारी से किया है और कांग्रेस आरोप लगा। और इसी बीच रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है। एमपी की जनता